कल लास्ट क्लास मैंने आपको क्योंकि जनरली हमारा जो यूनिट सेल होता है वो दो ही टाइप के यूनिट सेल में पढ़ना है, एक हेक्सागोन यूनिट सेल और एक क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पहले आपको क्यूब के बारे में कुछ जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। वो जानकारी क्या होगी चलो इधर हम देख लेते हैं पहले। ठीक है, एक एक करके मैं समझा रहा हूँ आपको। यार सॉरी यार, मैं तो मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, बट प्लीज मेहनत करिए। ठीक है, देखो क्यूबॉइड है तो इधर में इसमें एटम कॉर्नर पे है। ठीक है, एटम सिर्फ कॉर्नर पे है तो नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हो जाएंगे? यहाँ केस के लिए नंबर ऑफ कॉर्नर हो जाएंगे 8। ठीक है, नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, अगर मैं फेसेस की बात करूँ तो ये जैसे समझो फेसेस के लिए फिर से मैं अलग दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, फेस एक फेस अब मतलब फ्रंट, ये हो जाएगा फ्रंट और ये हो जाएगा बैक। फ्रंट बैक वाला हो जाएगा, लेफ्ट राइट वाला एक फेस हो जाएगा, टॉप बॉटम वाला फेस हो जाएगा। तो ऐसे नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे किसी भी क्यूब में? नंबर ऑफ फेसेस होंगे 6 हो जाएंगे। कितने फेसेस हो जाएंगे? 6। एज लेंथ की बात करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ एजेस कितने हो जाएंगे इसके पास? नंबर ऑफ एजेस 12। देखो ये सब चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। किसी भी क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेस होता है, नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं? 12 होते हैं। इसका मतलब फेस सेंटर कितने होंगे? तो अगर फेस 6 है तो फेस सेंटर मतलब उस फेस का सेंटर, उस फेस का सेंटर मतलब इस फेस का सेंटर मान लो फ्रंट का यहाँ पे होगा और उसका वहां पे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो मैं एग्जांपल की बात करूं, मेरे पास एक सिंपल से पावर माइक है। ठीक है, तो अगर मैं फेस की बात करूं तो इस फेस का जो सेंटर है वो इसका इस ये जो फेस है, मान लो एक तरह का क्यूब है ये भी, ये हालांकि क्यूबॉइड है बट क्यूब मान के चलो। अगर ये फेस है तो इस फेस का जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फेस सेंटर। ये एज है तो इस एज का सेंटर क्या होगा? एज सेंटर। और कॉर्नर तो ऑटोमेटिकली है ही, तो बस आपको यही समझना होगा कुछ नहीं। और इस पूरे के अंदर एक बॉडी के अंदर एक सेंटर होगा, उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? उस पूरे क्यूब के अंदर जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर बोलते हैं। तो नंबर ऑफ एजेस 12 हो गए आपके पास, नंबर ऑफ फेस सेंटर, नंबर ऑफ फेस सेंटर आपके पास कितने हैं? 6 है। नंबर ऑफ एज सेंटर, अब एज सेंटर की मैं बात करूं, समझो बेटा बात को, एजेस 12 है तो हर 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 एज का सेंटर तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एज सेंटर कितना हो जाएंगे आपके पास? 12 हो जाएंगे। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, बॉडी पूरे देखो पूरे क्यूब में बॉडी पे तो एक ही सेंटर होगा। बॉडी सेंटर मतलब पूरे क्यूब का एक सेंटर, ये पूरा रूम है इस रूम का एक सेंटर, तो एक ऐसा सेंटर है जो पूरे फेसेस को टच करेगा। मान लो एक ये बड़ा सा रूम आपका पास, आप कोई भी रूम में बैठे तो एक क्यूब का सपोज करें ऐसा बॉल है जो पूरे फेसेस को टच कर रहा है पूरे, और लेकिन वो एट द सेंटर में, तो एक ऐसा बॉल जो बट वो फेस उस फेस के बाहर नहीं जा रहा, वो पूरे बॉडी उस पूरे रूम को कवर कर रहा है और एक्चुअली वो सेंटर में प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर हो जाएगा। तो किसी भी क्यूब में नंबर ऑफ बॉडी सेंटर एक ही होता है बेटा, याद रखना। ठीक है, बॉडी सेंटर हमेशा कितना होगा? 1 होगा। आई बात समझ में? ठीक है, हाँ अगर मैं फेस डायगोनल की बात करूं तो देखो फेस डायगोनल कितना होगा? एक फेस में कितने डायगोनल है? 1 और 2 बराबर। एक ऐसे जाएगा, अगर मैं आपको ऐसे ब्लैक से नहीं समझ पा रहा तो आप ऐसे समझो, एक फेस डायगोनल ऐसे होगा जो फेस डायगोनल 2 कॉर्नर को और एक फेस सेंटर को टच करते हुए निकलेगा। इसका मतलब एक क्या हो जाएगा आपका? एक फेस डायगोनल ऐसे होगा, एक फेस डायगोनल ऐसे होगा। इसका मतलब एक फेस में 2 फेस डायगोनल होते हैं, तो ऐसे कितने फेस डायगोनल होंगे? आप सब समझ, 12 फेस डायगोनल हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितने होंगे? नंबर ऑफ फेस डायगोनल जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब वही बेटा मैं अगर इसकी बात करूं फिर से, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में दो कॉर्नर से और एक बॉडी सेंटर से पास करता है, तो एक कॉर्नर से ऐसे जाएगा, एक कॉर्नर से ऐसे जाएगा, तो 2 ऐसे हो गए, एक इधर से इधर जाएगा और एक इधर से इधर जाएगा। फिर से डायरेक्शन समझना, एक कॉर्नर इधर एक कॉर्नर इधर, तो बॉडी से पास करते तो वैसे निकलेगा ये। ठीक है, तो एक एक फेस एक बॉडी डायगोनल ये हुआ, दूसरा एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, एक बॉडी डायगोनल ऐसे है। ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा मतलब कुछ लगभग ऑलमोस्ट किस तरीके से। अगर मैं इसमें ड्रॉ करूं, देखो एक ऐसा क्यूब
कट किया मैंने, ठीक है। अब इसका जो बॉडी डायगोनल होगा, देखो ये है बॉडी डायगोनल है, तो मतलब एक ऐसा होगा बॉडी डायगोनल, एक ऐसा कर दिया था मैं, एक अब मैं ऐसा कर दे रहा हूं, ठीक है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। तो अब ये इमेजिन कर लो, एक ऐसा हो जाएगा और एक ऐसा हो जाएगा, तो ओवरऑल आपके पास देख लो एक उल्टा है और एक इसके जस्ट अपोजिट है, देखो है ना, एक ऐसे है और एक ऐसे है, बराबर। इसका मतलब आपके पास नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल चार ही होते हैं, एक फर्स्ट, फिर फेस सेंटर है, बॉडी सेंटर एक है, तो भैया दो एक ऐसे हो जाएगा, दो ऐसे कट करते हुए निकलेगा, तो ऑब्वियस मतलब चार बॉडी डायगोनल होगा, ठीक है। अब इनकी लेंथ की बात करता हूं मैं, ठीक है, तो समझो लेंथ में समझो बात को, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आपको, ये थोड़ी बहुत चीजें आपको इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर, और ये सब चीज अगर आपको याद है तो हम ये एक तरीके का प्योर मैथमेटिकल टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें समझने की कोशिश करना आप थोड़ा, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखो, आपका फेस सेंटर के पीछे वाले को मैं काउंट कर रहा हूँ, तो ये मान लो आपका बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल है, कौन सा आपका पीछे वाला, मैं देख रहा हूँ पीछे वाला, इमेजिन करो ये वाला, मैं शेडेड भी कर देता हूँ, ये वाला पीछे वाला अगर आपको इमेजिन हो रहा होगा, तो ये पीछे वाला एक फेस डायगोनल है, दो फेस डायगोनल है एक पे, समझो अगर इसका लेंथ, क्योंकि क्यूब है, क्यूब का सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है, इसका ए है और इसका ए है, तो सपोज करो अगर ये ए है और ये ए है, तो ऑब्वियस बात है ये लेंथ कितनी हो जाएगी, रूट टू ए, मतलब एक फेस डायगोनल का लेंथ कितना होता है, तो लेंथ ऑफ फेस डायगोनल रूट टू ए। चलो अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसका लेंथ ए है, अगर आपको बॉडी डायगोनल मतलब लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल आपको निकालना है, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, ठीक है, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल कैसे समझो, ये लेंथ ए है और ये लेंथ ए है, तो ये तो ऑब्वियस बात है ये तो फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल का लेंथ कितना होता है, रूट टू ए होता है, रूट टू ए होता है, ठीक है। अब आपके पास ये ए है और अगर आपको ये लेंथ मिल जाए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बॉडी डायगोनल है, मतलब बॉडी डायगोनल का मैं कितना बोल सकता हूं, बीडी मतलब कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस रूट टू ए स्क्वायर, ठीक है, रूट टू ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट टू ए स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, रूट टू ए का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, रूट थ्री ए, तो बी लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल कितना हो जाएगा, रूट थ्री ए, मतलब कितना हो जाएगा, रूट थ्री ए। आपको आई होप समझ में आ गया होगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज योर व्हाट इज दैट, कि ये आपका लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, ठीक है, आपको एक बार समझ में, तो याद रखना एक ही बॉडी सेंटर होता है पूरे पूरे क्यूब में, बॉडी सेंटर आपका एक ही रहता है, फेस सेंटर छह रहते हैं, एज सेंटर 12 रहते हैं, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल रूट टू होता है और लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल रूट थ्री होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल था, अब यहाँ पे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज समझना थोड़ा, ठीक है, आपको एक बड़ा सा क्यूब बनाना है, ठीक है, बड़ा सा, मेरी थोड़ी ड्राइंग खराब है, बट आप ट्राई करिएगा उसको अच्छे से बनाने का, ठीक है, क्योंकि चौक में मेरा राइटिंग अच्छा है बट मार्कर में नहीं बैठ पाता मेरा, ठीक है, बड़ा सा क्यूब बना, ठीक है, ड्राइंग कर दूँगा, ठीक है, तो ये आपको क्यूब दिख रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना, इस क्यूब को कट करना साइड से, तो पहले मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ ब्लैक से कट करता हूँ, सॉरी फॉर अगर किसी ने, ठीक है, इसको मुझे ब्लैक से कट करना है, ठीक है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझा रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ठीक है। अब आपको कुछ इसके सेंटर टू सेंटर में लाइन खींचो, सेंटर टू सेंटर लाइन खींच लिया, इसके भी सेंटर टू सेंटर लाइन खींचो, खींच लिया, इसके भी सेंटर टू सेंटर लाइन खींचो और इसके भी सेंटर टू सेंटर लाइन खींचो। आपने मतलब सपोज करो ऐसे कट किया इसको बीच से, ठीक है, अब इसको ऐसे कट करो, इसके टू सेंटर लाइन, इसके टू सेंटर लाइन, इसके टू सेंटर लाइन और इसके सेंटर टू, सॉरी यहाँ पे थोड़ा स्केल वगैरह हो सके तो स्केल वगैरह से एक बार ड्रॉ करिएगा,
चौक में, चौक से बनाना आसान होता है एक्चुअली इसको, पर मार्कर में थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये क्यूब कितने पार्ट में कट चुका है देखो। ठीक है, एक ऐसे कट गया, एक ऐसे कट गया, अब इसका ऐसे कट करो। ठीक है, एक इधर से, ठीक है, एक ऐसे। ठीक है, अब इसके सेंटर को इसके सेंटर में ज्वाइन कर दो। ठीक है, इसके सेंटर से इसके सेंटर। ठीक है, और तो कोई सेंटर नहीं है। तो आपको कितने क्यूब दिख रहे हैं? देखो, आपको एक क्यूब को मैंने आठ पार्ट में डिवाइड किया। देखो, पीछे वाला वन, ठीक है, आगे वाला इसको भी यहां से डालो। ठीक है, अब ये कितने पार्ट में कट चुका है? आठ पार्ट में कट चुका है ना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक है, वन टू तो ये वाला हो गया, थ्री पीछे वाला, फोर आगे वाला। ठीक है, फोर आगे वाला, फाइव पीछे वाला, सिक्स आगे वाला, सेवन पीछे वाला, एट आगे वाला। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ, आप देखो समझो। अब यहाँ पे मैं आपको ये मैंने इतना ड्रॉ क्यूब करवाया, इसके पीछे की रीजन। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ इस क्यूब की, ठीक है, जो मैंने किया है, फ्रंट वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, इमेजिन हो रहा होगा आपको, फ्रंट वाला, सिर्फ फ्रंट वाला मैंने आगे किया है। ठीक है, फ्रंट वाला, अगर मैं इस कॉर्नर की बात करूं, अगर इस क्यूब के इस कॉर्नर की बात करूं, तो ये क्यूब वाला जो कॉर्नर है वो कितने कितने क्यूब से घिरा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मतलब किसी भी क्यूब का अगर कोई कॉर्नर पे एटम रहता है, वो कितने पार्ट से शेयर होता है? 8 पार्ट से शेयर होता है। मतलब इस क्यूब के अंदर इस पूरे एटम का सिर्फ 1/8 पार्ट अंदर आता है। आई बात समझ में? ठीक है, अब ये क्यूब को क्या कर दो? एक कर दो। इस क्यूब, ये आगे और पीछे वाले क्यूब को एक कर दिया, ये आगे पीछे वाले क्यूब को एक कर दिया। मतलब अब आठ की जगह ये दोनों कंबाइन कर दो, आगे पीछे दोनों कंबाइन कर दो, आगे पीछे दोनों कंबाइन कर दो, आगे पीछे दोनों कंबाइन कर दो। अब आपको क्यूब कितने पार्ट में डिवाइडेड है? सिर्फ चार पार्ट में डिवाइडेड है। अब यहाँ पे एक काम करो, अगर मैं बात करूं, ये जो सेंटर होगा, पहले कॉर्नर था, अब ये पूरा क्यूब है, तो ये एज सेंटर के जैसे है। आपको इमेजिन हो रहा होगा, एक फ्रंट वाला क्यूब है, एक बैक वाला क्यूब, इसको एक कर दिया। तो पहले अगर ये आठ में था, तब ये कॉर्नर, ये क्यूब का एक कॉर्नर था, इन दोनों क्यूब को मैंने कंबाइन कर दिया, इसको कंबाइन कर दिया, इसको कंबाइन कर दिया, इसको कंबाइन कर दिया, तब ये पूरा एक एज बन गया। तो ये सेंटर कौन सा हो गया? एज सेंटर। अब आप देखो, ये एज सेंटर कितने पार्ट से डिवाइडेड है? चार पार्ट से, एक दो तीन चार। तो मतलब एज सेंटर वाला हमेशा एज सेंटर पे जो एटम होता है वो कितने से डिवाइडेड होता है? चार पार्ट से डिवाइडेड होता है। ठीक है, मतलब एज सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/4 होता है पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए। याद रखना, कॉर्नर पे अगर कोई यूनिट, किसी भी यूनिट सेल के कॉर्नर पे एटम है, तो उसका कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल के लिए 1/8 होता है, और किसी भी एज के लिए अगर वो सेंटर पे कोई एटम है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 माना जाता है, 1/4 माना जाता है। जो आपको दिख रहा होगा, देखो ये चार क्यूब से घिरा हुआ है, जब इसको मैं कंबाइन कर रहा हूं, इसका मतलब एज सेंटर वाला हमेशा चार पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, हाँ, अगर मैंने क्या कर दिया, ये दो क्यूब, ये जो नीचे के दो क्यूब है, अब ऊपर के दो क्यूब, इसको मैंने पूरा कंबाइन कर दिया, एक क्यूब माना, और इस पूरे क्यूब को मैंने, इस ये पूरे चार क्यूब को मैंने एक क्यूब कर दिया। अब ये क्यूब और ये क्यूब की बात कर रहा हूं, तब ये वाला जो पार्ट है वो फेस सेंटर हो जाएगा। अब ये फेस सेंटर कितने से डिवाइडेड है? दो से डिवाइडेड है। तो याद रखना, फेस सेंटर पे अगर कोई एटम होता है, सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे कोई एटम है, तो वो एटम आधा यहाँ रहेगा, आधा उधर रहेगा। आई बात समझ में? तो फेस सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए, मान इस फेस सेंटर में कोई एटम होगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए सिर्फ 1/2 होता है। आई बात समझ में? और मान लो अगर ये पूरा एक क्यूब है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये फिर बॉडी सेंटर हो जाएगा, जिसका कोई भी कंट्रीब्यूशन
नहीं होता है, जिसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो आपको अब थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आ गया। कॉर्नर वाले का शेयरिंग कितना होता है, 1/8 होता है, फेस सेंटर वाले का 1/2 होता है, एज सेंटर वाले का 1/4 होता है, और बॉडी सेंटर का कोई कंट्रीब्यूशन है तो सिंगल माना जाता है। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा तो समझो ये कमरा है, क्यूब में आपने इमेजिन कर लिया। ठीक है, अगर इस उस कॉर्नर पे आपके पास एटम, जस्ट मेरे साथ इमेजिन करो, उस कॉर्नर पे आपके पास क्या है, एटम है। ठीक है, उस कॉर्नर पे एटम है, तो अगर इस कमरे पूरा एटम है, वो अभी वो पूरा एटम है। देखो जनरली हालांकि ऐसा नहीं होता, देखो होता क्या है, दो बॉल ऐसे रखा होता है, सपोज करो दो बॉल ऐसे, उनको कंबाइन कर दो, चार हो गए, चार बॉल ऐसे, तब ये कंबाइन करूंगा, ये जो चार बॉल को, अगर ये अभी तो फिलहाल क्योंकि भैया सॉलिड स्टेट है, ये मैंने आपको समझाने के तौर पर दिखा दिया, क्योंकि सॉलिड स्टेट है, एटम क्लोज ही रहेंगे, ये समझाने के तौर पे बता दिया। एक्चुअली अगर डायग्रामेटिकली समझाऊं मैं तो कुछ इस तरीके से फिगर रहता है, एक बॉल ऐसे रहेगा, दो बॉल ऐसे रहेगा, तीन बॉल ऐसे रहेगा, चार बॉल ऐसे रहेगा। ठीक है, नीचे भी क्या रहेगा, चार बॉल, आप समझ रहे हो, समझ पा रहे हो, तो चार बॉल ऊपर, चार बॉल नीचे। अब इस तरीके से क्या बनता है, क्यूब बनता है। तो कॉर्नर पे समझाने के लिए इसलिए इसको मैं दूर दूर करता हूँ, हालांकि ये क्लोज्ड ही रहता है, तो आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाता है, ओवरऑल आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। तो सपोज करो वहां पे जो एटम है, अब फिर कंटिन्यू करता हूँ इस पॉइंट में, ये आपके पास क्यूब है, वहां पे एटम है, वो अगर वहां पे जो कॉर्नर पे जो एटम है, इसके बगल में मैंने एक रूम बना दिया, तो वो कॉर्नर वाला एटम कितने से डिवाइड होगा, दो पार्ट में डिवाइड, आधा उधर चला जाएगा, आधा अपने पास रहेगा। अब इस कमरे के पीछे एक और कमरा बना दिया, तो वो वाला एटम कितने पार्ट में डिवाइड होगा, तीन पार्ट में। अब वो जो कमरा इसके पीछे, उसके आगे एक और कमरा बना दिया, तो ये एटम कितने में डिवाइड होगा, चार एटम। अब यही चार कमरे सेम एज इट इज ऊपर कर दिया, तो सेम यही सिचुएशन नहीं आ रही, तो कॉर्नर, वो वहां पे जो कॉर्नर वाला एटम था, उसका यहां पे कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/8, खत्म बात। ठीक है, अब समझ में आया। ठीक है, अगर आप बॉडी सेंटर की बात करते हो, भैया एक क्यूब है यहां पे बॉडी सेंटर, आप कितने भी कमरे आसपास में बना दो, इसका बॉडी सेंटर का अदर यूनिट सेल के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था, क्योंकि मुझे सिर्फ एक यूनिट सेल की स्टडी करनी है, वो जो यूनिट सेल का जो उसमें अरेंजमेंट होगा, यूनिट सेल में जो अरेंजमेंट होगा एटम का, वही पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट होता है, तो हमें बस यूनिट सेल के बारे में पढ़ना, उसमें एटम कैसे अरेंज रहते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, बस खत्म बात। तो कॉर्नर का समझ में आया, फेस सेंटर का, अगर फेस सेंटर की बात करूं, तो यहां पे कोई एटम है बड़ा सा, और इसको मैंने पीछे भी कमरा बना दिया, तो इस एटम का कंट्रीब्यूशन यहां पे कितना होगा, 1/2, यहां के लिए 1/2, उधर के लिए 1/2, इधर के लिए 1/2, ऊपर के लिए भी, नीचे के लिए 1/2। वो अगर तो आपको बात समझ में, सबका शेयरिंग वाला कांसेप्ट आपको, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो हम अपना टॉपिक चालू करते हैं, क्योंकि हमने हमारे सिलेबस में आपके पास दो ही यूनिट्स है, क्यूबिक यूनिट सेल और हेक्सागोनल यूनिट सेल, अब उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं एक एक करके। Now, बात करते हैं क्यूबिक यूनिट सेल की, अब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है, तो पहले हम, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जो सेवन क्रिस्टल सिस्टम थे, मतलब वही क्यूबिक, मतलब जो सेवन यूनिट सेल, सेवन क्रिस्टल सिस्टम मतलब क्या होगा, बेसिकली वही क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं, वही यूनिट सेल होंगे बेसिकली। तो जो हमारे सिलेबस में दो ही क्रिस्टल सिस्टम है, एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगा, मतलब तो उसमें जो यूनिट सेल होगा वो क्यूबिक वाला होगा, जो हेक्सागोनल में होगा हेक्सागोनल टाइप का होगा। तो हमारे सिलेबस में हम क्यूबिक के बारे में पढ़ेंगे फिलहाल तो। ठीक है, तो क्यूबिक यूनिट सेल में तीन टाइप के यूनिट सेल होता है, पहला होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, या इसको SCC भी बोलते हैं, ठीक है, या इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, यूनिट सेल इन विच एटम्स आर, यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट
ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ये सिंगल सेल में एटम कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, अब हालांकि तो मैं आपको थ्री डायमेंशन को तो समझाना बहुत मुश्किल है, बट ट्राई करो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, इसका मतलब लैटिस पॉइंट आपके पास कितने होंगे, आठ, मतलब जहाँ पे एटम रहता वही इसके लिए आपके लिए क्या होगा, लैटिस पॉइंट होगा। तो इसका मैं अगर थ्री डी व्यू की बात करूँ, ठीक है, थ्री डी व्यू मैंने क्या बोला, कॉर्नर का शेयरिंग कितना होता है, 1/8 होता है, ठीक है। एक्चुअली में वो अगर 1/ हर कॉर्नर का शेयरिंग 1/8 है तो दिखता कैसा होगा, तो देखो ये इस तरीके से दिखता है, दिस, ठीक है, दिस, 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 ठीक है, दिस, 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 ठीक है। तो आप देख रहे हो कितना शेयरिंग दिख रहा है हर कॉर्नर पे, आपको हर कॉर्नर पे कितना शेयरिंग दिख रहा है, 1/8 दिख रहा है, देख रहे हो 1/8 शेयरिंग है बस कॉर्नर पे, इसलिए क्या होता है ये 3D व्यू है बेसिकली, इसका क्या है 3D व्यू। ओके नाउ सेकेंड जो यूनिट सेल है वो हमारा BCC यूनिट सेल, मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल BCC जिसको हम बोलते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल का ही पार्ट है ये, ठीक है। अगर अरेंजमेंट ऑफ एटम चेंज हो जाएगा क्यूबिक यूनिट सेल में तो वो यूनिट सेल भी चेंज हो जाता है, अगर किसी यूनिट सेल में सिर्फ एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट है मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब SCC बोलता है। BCC बॉडी सेंटर का मतलब होगा, मैंने आपको पहले बोला था जो हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम बोला था, तो उसमें मैंने बोला भैया एटम चाहे उसके पास एक टाइप का यूनिट सोलो, तीन टाइप को, चार टाइप को, डजंट मैटर, पर एक चीज कॉमन रहेगी, एटम कॉर्नर में जरूर रहेंगे आपके। तो यहाँ पे क्या रहेगा, बॉडी सेंटर्ड है, कॉर्नर में तो रहेंगे रहेंगे, बेसिकली ये किस टाइप यूनिट सेल, आपको याद होगा मैंने नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बताया था, तो ये वही टाइप के कॉर्नर में रहेंगे साथ ही साथ एक बॉडी सेंटर में रहेगा, ठीक है। यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट, यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड as well as at body center, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे total lattice point कितने होंगे, आठ तो corner के हो जाएंगे और एक कहाँ का हो जाएगा, body center का, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और एक आपका कहाँ हो जाएगा, body center, total lattice point आपके पास कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, ठीक है। अब आप समझो, अगर देखो यहाँ पे तो एटम एक दूसरे को कॉर्नर पे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, क्या यहाँ पे एटम कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच करेंगे, पूछो, समझो चार बॉल एक दूसरे को पहले टच कर रहे हैं यहाँ पे, इमेजिन करो कोई जगह जिससे चार बॉल बड़े बड़े बॉल दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, अगर बीच में कोई बॉल घुसा दो सफिशियंट का, मतलब इक्वल साइज का, मतलब इनका भी तो रेडियस आर 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 आर, अगर उसी आर रेडियस का मैं बीच में सेंटर कर दूं तो ऑब्वियस बात है ये क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को टच फिर नहीं कर पाएंगे, फिर एटम एक दूसरे को कहाँ टच करेंगे, अलोंग द बॉडी डायगोनल, देखो इमेजिन करो एक बॉल यहाँ पे, एक बॉल यहाँ पे, एक बॉल यहाँ पे, ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, बट ये और ये एक दूसरे को टच करेंगे, ये और ये एक दूसरे को टच करेंगे, ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, मतलब बॉडी सेंटर वाला आठवें एटम को टच करता है, बस समझना, बॉडी सेंटर्ड है बीच में, चार ऊपर चार नीचे है, बट बॉडी सेंटर वाला चारों को ऊपर भी चारों को टच करेगा, नीचे भी चारों को टच करेगा, लेकिन एक कॉर्नर वाला दूसरे कॉर्नर वाले को कभी टच नहीं करेगा, बट एक कॉर्नर वाला बॉडी सेंटर वाले को जरूर टच करेगा, कौन सा समझ में आया होगा आपको थोड़ी बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल लैटिस पॉइंट कितना हो जाता है, 9, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा FCC, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तो भैया इसमें क्या होता है, इसमें फेस सेंटर मतलब कॉर्नर में रहेंगे साथ ही साथ फेस सेंटर में रहेंगे, तो यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट
इसमें आपको मैं हालांकि दिखाने की कोशिश करूंगा, समझ सकते हो तो समझ जाओ और ऐसे इमेजिन भी कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, कॉर्नर पे एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छ, ठीक है। तो छ फिर सेंटर में एंटर हो गए मेरे पास, ठीक है। चौथा आपके पास कौन सा है, एंड सेंटर। एंड सेंटर यूनिट सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईसीसी भी बोलते हैं। एंड सेंटर का मतलब है कॉर्नर में, अगेन कॉर्नर में रहेंगे, बस किसी दो एंड सेंटर में रहेंगे, किसी दो फेस अपोजिट फेसेस में रहेंगे, उन्हीं को हम एंड सेंटर बोलते हैं, ठीक है। यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट, यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज एट टू अपोजिट फेस सेंटर, दो अपोजिट फेस सेंटर में होंगे, ठीक है। यहाँ पे लैटिस पॉइंट कितना जगह, आठ मच्छ है, चौदह, 14 लैटिस पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दिस और दिस, दिस और दिस, ये मैंने इस पर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, चार ऊपर चार नीचे, ठीक है। तो एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, तो दो अपोजिट फेस सेंटर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल लैटिस पॉइंट कितना हो जाएंगे, 10, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। अगर यहाँ तक चीजें आपको समझ में आया होगा, ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ठीक है। अच्छा एक यहाँ पे नियरेस्ट नेबर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वैसे नियरेस्ट नेबर का हालांकि कौन सा कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर में आता है जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, बट एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं सिंपल क्यूबिक की बात करूँ, ठीक है, तो ऐसा समझो सिंपल क्यूबिक में एटम कितने डिस्टेंस पे है, तो ए डिस्टेंस पे रखा हुआ, मतलब ये अगर ये भी आर रेडियस का, ये भी आर रेडियस का, और एटम ए डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, मतलब एटम सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है ए डिस्टेंस पे, तो एनएसएल की स्ट्रक्चर में देखो क्या होता था, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल एक ए डिस्टेंस पे एटम रहेगा, ठीक है, सिर्फ कॉर्नर पे, तो ए डिस्टेंस को एक एटम छह एटम को टच करेगा, बरोबर। कैसे, जैसे यहाँ पे एक एटम है, एक यहाँ पे, तो ए डिस्टेंस है, तो एक इधर टच किया, एक इधर टच किया, दो तीन चार पांच छह, ए डिस्टेंस तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एटम ए डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो इसका मतलब, या सिंपल सी बात, अगर एटम कॉर्नर कॉर्नर वाला एटम एक दूसरे को टच कर रहा है तो एक कॉर्नर वाला एटम कम से कम आपस में छह एटम को टच कर रहा है, दैट इज व्हाई Na+ और Cl- आपने देखा होगा कि Na+ 6 Cl- को टच करता है और एक Cl- 6 Na+ को टच करता है। हालांकि डिटेल में स्ट्रक्चर में आपको आगे बताऊंगा, बट फिलहाल एक एग्जांपल के तौर पर समझा। इसका मतलब जो होगा कि ए डिस्टेंस पे उसका नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा, एक ये हुआ, दो तीन चार पांच छह, ठीक है, छह एटम उसके नियरेस्ट नेबर है, ठीक है। नियरेस्ट कहने का मतलब है अगर आपने एक रो हाउस लिया जिसमें 1 2 3 4 5 ऐसे रो हाउस के नंबर है, तो मैं 3 रो हाउस वाले की बात कर रहा हूं, तो 3 रो हाउस का नियरेस्ट नेबर कौन होगा, 2 और 4 3 बीच में, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन होगा, 1 और 5, बराबर। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपका बंगला नंबर 3 है तो आपका नियरेस्ट नेबर कौन होगा, बंगला नंबर 2 वाला होगा, बंगला नंबर 4 वाला होगा, ठीक है, और उसका नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन होगा, बंगला नंबर 1 और बंगला नंबर 5, ठीक है। ये तो बात है, अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट पूछता है तो हालांकि इधर तो नहीं, मान लो 0 अगर हुआ तो ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 6, तो ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट हो जाएगा, तो बट हालांकि हमारा काम नियरेस्ट या नेक्स्ट नियरेस्ट से काम चल जाता है, ठीक है। अगर फेस सेंटर की बात है तो बात को समझो कि अगर √2a वाला एटम हो, अगर √2a वाला एटम हो तो कितने एटम उसके नियरेस्ट, अगर अगर एटम √2a डिस्टेंस पे है तो कितने एटम को टच कर रहा है, 1 2 3 4 4 ऊपर 4 नीचे, मतलब √2a वाले एटम कितने एटम को कम से कम टच करता है,
आठ एटम को टच करता, आप उसी को समझ लो, अगर वो कॉर्नर पे था और आठ क्यूब मैंने बना दिए तो वो एक एटम कितने एटम को टच करता था, आठ एटम को टच करता था, याद है आपको। तो वही वही बॉडी सेंटर मतलब रूट टू ए पे अगर कोई एटम रहेगा उसका नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कितने एटम को टच करता है, वो आठ एटम को टच करता है। बस हम हालांकि डिटेल में आगे पढ़ा हूँ, डोंट वरी, बट एक लिटिल बिट आइडिया दे रहा हूँ। फेस सेंटर की बात करूँ तो समझो बात को, एक फेस सेंटर में कितने एटम को टच करता हो, चार। तो मान लो एक प्लेन है, एक ऐसा प्लेन होगा, एक ऐसा प्लेन होगा, एक ऐसा प्लेन होगा, एक ऐसा और एक ऐसा। तो एक प्लेन में एटम कितने, अगर फेस सेंटर पे मतलब फेस सेंटर पे एटम कितने डिस्टेंस पे, रूट टू ए डिस्टेंस में। ऑब्वियस मतलब फेस सेंटर पे भी अगर एटम रहा तो एक कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे, बॉडी सेंटर पे रहा तो भी कॉर्नर वाले एटम दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे। मतलब रूट टू ए डिस्टेंस में अगर एटम है तो वो एक एटम कितने एटम को टच करता है, 12 एटम को। चार तो यहां हो गए, आप ऐसे समझ लो यहाँ पे, तो ये तो समझाना थोड़ा मुश्किल है, बट इमेजिन करो ये चार एटम इधर टच करेगा, चार एटम इधर टच करेगा और चार एटम उधर टच करेगा, इस तरीके से टच करता। आगे समझाना मुश्किल है, अगर ओवरऑल नहीं समझ में आता ऐसे याद रखो, एक प्लेन में एक एटम चार एटम को टच करा तो ऐसे वो हर फेसेस से गुजरेगा, एक कॉर्नर से कितने फेसेस निकल सकता है, छह फेसेस निकल सकता है, एक कॉर्नर से कितने फेस निकल सकते, एक ये प्लेन हुआ, एक ये प्लेन हुआ और एक ये प्लेन और एक ये प्लेन, एक कॉर्नर से, ठीक है, दो कॉर्नर से। ऑब्वियस अगर एक प्लेन में अगर चार एटम को टच करा तो टोटल रूट टू ए डिस्टेंस में 12 एटम को टच करेगा। तो अगर 3D व्यू है तो थोड़ा इमेजिन करेगा, थोड़ा ट्राई करेगा याद करने का, ठीक है। वैसे इसमें चीजें थोड़ी याद ही रखनी रहती है, अगर चीजें आपको याद है तो आप तुरंत तुरंत क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स ना के बराबर इसमें पूछे जाते हैं, ना के बराबर, सिर्फ इसमें थ्योरेटिकल बेस के क्वेश्चन आते हैं कोई में, ठीक है। चलो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं लोकेशन ऑफ एटम, ठीक है, दूसरे बात है नंबर ऑफ शेडेड यूनिट सेल, नंबर ऑफ शेडेड यूनिट सेल, नंबर ऑफ शेडेड यूनिट सेल, कंट्रीब्यूशन इन वन यूनिट सेल, कंट्रीब्यूशन इन वन यूनिट सेल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कॉर्नर पे अगर एटम है तो नंबर ऑफ कितने शेडेड यूनिट सेल है, और एक कॉर्नर वाला एटम कितने यूनिट सेल को टच करता है, याद करो, अगर उधर कर दूंगा दो तीन चार, चार नीचे चार ऊपर, तो एक कॉर्नर वाला आटा आठ यूनिट सेल को टच करता है, आठ को। लेकिन उसका एक इस यूनिट सेल के लिए, मतलब ये तो ट्यूब आपका क्या यूनिट सेल है, तो इस यूनिट सेल के लिए एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8 हो जाएगा, ठीक है, 1/8 हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया समझाया पिता, अगर मैं एज की बात करता हूँ, ठीक है, एक एज मान लो एक एज है, वो एक वहां पे एटम रखो तो उसको उधर से डिवाइड करो तो कितना कितना डिवाइड होगा, दो में ऊपर में तीन और उसके ऊपर में चार, तो एक एज सेंटर वाला चार यूनिट सेल को टच करता है, कितने को टच करता है, चार को, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एक यूनिट सेल के लिए 1/4 होता है, ठीक है। अगर मैं फेस सेंटर की बात करूं, फेस सेंटर वाला सिर्फ दो को ही टच कर सकता है, ये फेस वाला इसके बगल वाले कमरे को टच कर सकता है बट इधर वाले कमरे को टच नहीं कर सकता, बराबर। तो दो को ही टच करे जिसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 हो जाता है, ठीक है। बॉडी सेंटर वाला कितने यूनिट सेल को टच करता है, एक, अब एक ही यूनिट सेल में रहता है बॉडी सेंटर वाला, एक में होता है, जिसमें उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 होता है, आई बात समझ में। तो ये ओवरऑल हर यूनिट सेल के टाइप थे, उनके कॉर्नर पैटर्न, उनके शेयरिंग कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसमें, वो भी इम्पोर्टेंट अपने आप में, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इसी में कॉन्सेप्ट है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, जेड से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लोकेशन ऑफ एटम
लोकेशन ऑफ एटम इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट दैट लोकेशन इफेक्टिव नंबर मतलब आखिर ये यूनिट सेल में ठीक है भले कॉर्नर का 1/8 हो रहा है तो भाई एक्चुअल में एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं किसी भी आपने बेसिकली अभी क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ा क्यूबिक यूनिट सेल में कितने यूनिट सेल होते हैं तीन टाइप के यूनिट सेल होते हैं एससीसी बीसीसी और एफसीसी एससीसी में कितने नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं हालांकि यूनिट सेल इनफाइनाइट होते हैं एटम भी इनफाइनाइट हो जाता है उससे कोई मतलब नहीं है अगर आपको मैंने बोला भाई एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के एससीसी में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम या जेड बोलते हैं ठीक है तो पहले हम बात करते हैं एससीसी की एससीसी में एटम कहां प्रेजेंट होते हैं सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं कहां होते हैं कॉर्नर में इसका मतलब जेड की वैल्यू क्या होती है 8 कॉर्नर हो गया तो एटम भी 8 वहां पे होंगे तो कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है जिसका मतलब टोटल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो भी क्रिस्टल होगा उसके एक यूनिट सेल में सिर्फ एक एटम होता है कितना होता है मतलब एसएससी यूनिट सेल की बात करूं तो एक एसएससी यूनिट सेल में से टोटल कंट्रीब्यूशन मतलब टोटल नंबर ऑफ एक एटम से ही वो पूरा एक यूनिट सेल बना होता है एक एटम को 8 पार्ट में काट दो और 8ों को कॉर्नर पर डिवाइड कर दो वो एक यूनिट सेल तैयार कर देगा दो जो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो आपको 3D में मैंने आपको बताया ठीक है दूसरे की अगर मैं बात करूं बीसीसी इसकी बात करूं बीसीसी बीसीसी में कहां होता है कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर इसका मतलब z का वैल्यू 8 × 1/8 प्लस 1 8 × 1/8 कॉर्नर में तो रहता है ये प्लस 1 इनटू कंट्रीब्यूशन इसका 1 तो मतलब यहां पे टोटल एटम कितने हो जाएंगे 2 तो बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 2 होते हैं ठीक है तीसरा आपका है एफसीसी कितना हो गया एफसीसी फेस सेंटर में कितना होगा कॉर्नर प्लस फेस सेंटर इसका मतलब z की वैल्यू कितनी हो जाएगी जेड की वैल्यू हो जाएगी 8 × कॉर्नर वाले रहेंगे प्लस फेस सेंटर 6 फेस सेंटर होता है तो 6 सेंटर में एटम होंगे उनका हर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2 मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम एफसीसी में कितने होते हैं 4 होते हैं कितने होते हैं 4 होते हैं ठीक है अगर मैं बात करूं चौथे वाले की ईसीसी एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल तो कॉर्नर प्लस 2 अपोजिट फेस सेंटर ठीक है इसका मतलब जेड की वैल्यू 8 × 1/8 तो रहेगी साथ ही साथ क्योंकि दो ही फेस सेंटर में एटम होते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे ठीक है अब एक्चुअली में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं आपको लोकेशन समझ में आ गया कंट्रीब्यूशन समझ में आखिर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं ये भी हम समझ गए अब यहां पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है देखो ठीक है क्वेश्चन क्या बनता है डिटरमाइन द फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड Determine the formula of a compound formed by A and B in which ठीक है पूरे मतलब सॉलिड स्टेट में मान के चलिए आपको इसी टाइप के क्वेश्चन फॉर्मूला बनाने वाले कंपाउंड के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे ज्यादा बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं बनते और बहुत अच्छा लेवल का कॉन्सेप्ट है ठीक है A is present at corner. Second है B is present at body center. ठीक है आखिर formula का मतलब क्या होता है जैसे अगर मैंने बोला A2B3 मतलब ये हुआ कि इसे एक molecule में total number of एक atom 2 है और टोटल नंबर ऑफ बी के एटम 3 है इसका मतलब ये होता है अगर मैं भाई बोला कि यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ ए का एटम पता चल जाए और टोटल नंबर ऑफ बी का एटम पता चल जाए तो आपको क्या फार्मूला ऑफ द कंपाउंड पता चल जाएगा बिल्कुल पता चल जाएगा तो आपको बस नंबर ऑफ एटम काउंट करने वही 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 सवाल अप्लाई कर देना इसमें इसका मतलब ये होगा कि मतलब जैसे ये होगा कि जैसे नंबर ऑफ एटम ए की बात करो बस आपको नंबर ऑफ ए एटम निकालो नंबर ऑफ ए एटम कितना हो जाएगा नंबर ऑफ ए एटम जो आपका हो जाएगा 8 कॉर्नर पे ए कहां पे प्रेजेंट है सिर्फ कॉर्नर पे ऐसे कॉर्नर कितने होते हैं 8 होते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन 1/8 तो टोटल नंबर ऑफ ए एटम कितना हुआ 1 हुआ नंबर ऑफ बी एटम की बात करो तो बी एटम सिर्फ कहां है कंट्रीब्यूट 1 पर और जिस बॉडी सेंटर में और ए की बॉडी सेंटर होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1 मतलब 1 तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा A1 B1 या AB हो जाएगा आई बात समझ में बस आपको इतना ही करना है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे एटम देगा उसका बस आपको नंबर ऑफ एटम काउंट करना वही फार्मूला हो जाता है इस कंपाउंड का ठीक है
आई होप आपको समझ में आया, तो थोड़े क्वेश्चंस में प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। अगेन अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो प्लीज प्लीज वीडियो पॉज करके आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, डायरेक्ट अटेम्प्ट मत करिएगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में दे रहा हूं मैं, ए कॉर्नर पे है, ठीक है, बी कहां पे है, फेस सेंटर पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में दे रहा हूं, ए कॉर्नर पे है, ए कॉर्नर पे है और बी एज सेंटर में है। फोर्थ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ए कॉर्नर पे है और बी एनी टू अपोजिट फेस सेंटर, ठीक है। और अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन दूं, ए कॉर्नर पे है और बी कहां पे है, अल्टरनेट फेस सेंटर में प्रेजेंट है, कहां पे है, अल्टरनेट फेस सेंटर में प्रेजेंट। आपको इनका फॉर्मूला बताना है, ठीक है। वीडियो पॉज करिए और करिए इसके बाद, ठीक है। यहाँ तक अगर आपने कर लिया होगा तो देखो, एक कॉर्नर पे तो टोटल नंबर ऑफ ए के आइटम कितने हो जाएंगे, 1 8 × 1/8, बी कितने हो जाएंगे 6 × 1/2 मतलब 3, तो ए बी 3 क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, एक कॉर्नर पे तो टोटल नंबर ऑफ आइटम 1 हो जाएंगे, बी कहाँ पे, एज सेंटर पे, एज सेंटर पे कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 होता है मतलब 3, अगेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी 3 हो जाएगा, एक कॉर्नर पे मतलब 1 हो जाएगा, बी कहाँ पे, एनी टू अपोजिट, तो मतलब दो फेस सेंटर हो जाएगा जिनका कंट्रीब्यूशन 1/2 मतलब ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अगेन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी एक कॉर्नर पे मतलब 1 हो जाएगा, बी कहां पे, अल्टरनेट फेस सेंटर। अभी हम क्वेश्चन समझो, यहां पे होगा यहां पे नहीं होगा, यहां पे होगा यहां पे नहीं होगा, ठीक है, ऐसे समझ लो, यहां पे होगा यहां पे नहीं होगा, यहां पे होगा यहां पे नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ किसी दो अपोजिट में ही आ रहा है, बेसिकली कहने का मतलब 2 × 1/2 सो दैट्स नथिंग बट 1, इसका आंसर ए बी, ठीक है। अगर आपने ऐसा सोचा है तो बिल्कुल सही भी है, अगर कहीं ऑप्शन में नन ऑफ दिस दिया होगा तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। पूछो कैसे, देखो इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है, आप ऐसे घूमोगे ट्यूब में तो एक इधर इधर आएगा, आप ऐसे घूमोगे तो भी एक एटम इधर इधर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे घूम रहा हूं ऐसे, तो क्या किसी दो अपोजिट में एटम आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, तब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत है। मैं ऐसे जा रहा हूं तो दो अपोजिट आ रहे हैं, मैं ऐसे जा रहा हूं तो भी दो अपोजिट केस में आ रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे गया तो ये दो अपोजिट वाले तो काउंट ही नहीं होंगे इस केस में, तब उस केस में नन ऑफ दिस का आंसर, बेसिकली टेक्निकली आंसर गलत है, टेक्निकली अल्टरनेटिव का भी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगर होगा ऐसे जा रहा हूं तो आ रहा है मेरा एटम, ऐसे जा रहा हूं तो एटम आ रहा है, बट ऐसे जा रहा हूं तो एटम नहीं आएगा, फिर किसी भी तरीके अगर मैं किसी व्यू से देखूंगा तो कहीं ना कहीं दो चीज मिसिंग हो जाएगी, जिस वजह से अगर नन ऑफ दिस आंसर है तो मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट करेक्ट आंसर आपका नन ऑफ दिस रहेगा, अदरवाइज नहीं दिया हुआ ए भी दिया हुआ तो आप ए भी टिक करके आइएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो जो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन अगर आप मैं थोड़ा लेवल चेंज करो, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, अब मैं क्या करूँ इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसमें चेंज है, ए को मैंने रखा है कॉर्नर पे, ठीक है, बी को रखा है मैंने फेस सेंटर पे, ठीक है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, चेंज क्या कर रहा हूं, फॉर्मूला निकालना है, इफ
कैलकुलेट फॉर्मूला इफ इफ एटम फ्रॉम एनी वन कॉर्नर इज रिमूव्ड एटम इफ एटम फ्रॉम एनी वन कॉर्नर इज रिमूव्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आपको समझना। देखो आपको बताना है तब देखो, अभी मैंने इनिशियल सिचुएशन दी है भैया कि भैया एटम एयर ए वाले तो कॉर्नर पे, बी वाले फेस सेंटर पे। अब मैं बोल रहा हूँ कि भैया मान लो अगर एक एटम मैंने हटा दिया कॉर्नर से, ठीक है, अभी भी सिचुएशन वही रखे, बाकी सातों एटम है कॉर्नर पे, बी भी फेस सेंटर पे है, तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा। तो कुछ नहीं, जो बचे एटम उन्हीं से मुझे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। अब नंबर ऑफ एटम कितने बचे भैया, एक एक एटम हटा है ना कॉर्नर से, इसका मतलब 7 एटम बचे जिनका कंट्रीब्यूशन अभी भी कितना होगा 1/8, तो 7/8। ऐसा नहीं कि एक एटम हटाने से उनका कंट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाएगा, नहीं, याद रखना ये फिक्स होता है। कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन हमेशा 1/8 होता है, फेस सेंटर वाले का हमेशा 1/2 होता है, बॉडी सेंटर वाले का हमेशा 1 होता है, एज सेंटर वाले का हमेशा 1/2, ये कभी चेंज होते नहीं है बेटा, तो याद रखना। एक एटम हटाने से ऐसा थोड़ी कि यूनिट सेल में चेंज आएगा, नहीं, बाकी तो 7 एटम है ना आपके कॉर्नर पे जिनका कंट्रीब्यूशन अगेन 1/8, तो टोटल नंबर ऑफ ए एटम कितना होगा 7/B। अगर एक एटम कॉर्नर से हटा है तो क्या बेस सेंटर वाले एटम को कोई फर्क पड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ा। इसका मतलब ये हुआ इन ये अगेन अभी भी कितने नंबर है, 6 नंबर है जिनका कंट्रीब्यूशन कितना 1/2, तो 3, तो ए 7/8 और बी 3, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला ए 7b 24। हमेशा फॉर्मूला आपको इस नंबर में मिलेगा 7/8.5, ऐसे कभी होल नंबर पे रहता है हमेशा फॉर्मूला। ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन में ऐसे दे रहा हूं, सेम कॉर्नर और ये रखा फेस सेंटर। ठीक है, मैं एटम अलोंग वन बॉडी डायगोनल, एटम अलोंग वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव। ठीक है, ये आपको करने है, अभी मैं आपको और सिचुएशन बना के दे रहा हूं। ठीक है, एटम अलोंग वन फेस सेंटर, एटम along one face center, sorry face center नहीं, face diagonal, face diagonal are removed। ठीक है, d atoms face diagonal of any one face are removed। ठीक है, चलो एक मिनट होल्ड करना। चलो इसकी बात करता हूं, एटम्स अलोंग वन फेस डायगोनल्स आर रिमूव्ड। तो ध्यान से समझना, वन फेस डायगोनल
एक फेस डायग्राम कहां कहां से पास करता, दो कॉर्नर और एक बॉडी सेंटर से, बराबर। इसका मतलब अगर आपने एटम अलोंग वन फेस डायगोनल रिमूव कर दिया तो दो कॉर्नर का एटम चला गया और एक बॉडी सेंटर का एटम गया। इसका मतलब अब आपके पास कॉर्नर पे एटम बचे कितने, ए वाले कितने बचे, 6 बचे, क्योंकि दो कॉर्नर का एटम चला गया। अगेन होगा का कंट्रीब्यूशन कितना, 1/8 मतलब 3/4 एटम बचा। बी वाला कितना था, बी वाला था आपके पास, अच्छा फेस सेंटर है, हाँ तो बी तो मेरा फेस सेंटर ही है ना, बी में तो कोई चेंजेस ही नहीं है, बॉडी सेंटर तो मैंने रखा ही नहीं था, तो अगेन बी वाला 6 ही रहेगा जिसका कंट्रीब्यूशन 1/2 मतलब 3, ए 3/4 बी 3 मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए 3 बी 1 मतलब हो जाएगा ए बी 4, ए बी 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, आपके पास कितने बचे, 6, जिनका कंट्रीब्यूशन कितना 1/8, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। बी आपके पास कितना बचेगा, देखो एक फेस सेंटर, एक फेस डायगोनल में एक फेस सेंटर का एटम चला जाएगा, इसका मतलब अब आपके पास 5 बचा जिसका कंट्रीब्यूशन कितना 1/6, तो 5/6, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ए 3/4 बी 5/6, ए 3/4 बी 5/6 हो जाएगा। सही बात समझ में सबको, चलो सॉरी 5/2 माय मिस्टेक, 5/2 कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है ना इनका, हां तो 5/2 अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ए 3 बी 10 हो जाएगा, ए 3 बी 10 हो जाएगा। ये बात समझ में, चलो ये फॉर्मूला ये समझ में आया, तो एक अब नेक्स्ट में दो एटम्स ऑफ फेस डायगोनल्स मतलब दो फेस डायगोनल एक फेस का रिमूव कर दिया, एटम जो फेस डायगोनल्स के अलोंग आ रहे थे, दो फेस डायगोनल्स के अलोंग उनको वो रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब अब टोटल कॉर्नर पे एटम कितने रिमूव हुए, दो इधर के चले गए, दो इधर के चले गए, मतलब 4 कॉर्नर के एटम खत्म हो चुके हैं। अब आपके पास बचा कितना, 4 बचा जिनका गेन कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। बी बी कितना बचा, भैया आप चाहे ऐसे रिमूव करो ऐसे रिमूव करो, फेस सेंटर का तो एक ही एटम जाएगा, तो गेन कंट्रीब्यूशन इसका 5 बचा जिसका 1/2 है, तो ए 1/2 और बी सॉरी ए 1/2 बी 5/2, तो मतलब कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो मैं 2 से, तो ए बी 5 क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। चलो एक ये क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, या आपको खुद मुझे बताने अभी करके, डिटरमाइन फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, डिटरमाइन फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, डिटरमाइन फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी इन विच, इन विच, इन विच ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, ए कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, एंड बी कहाँ पे, आपका बी है आपका बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर, ये एज सेंटर है, लिख देता हूं मैं एज सेंटर, एंड सेंटर मत समझ लेना। बी अब आपके पास टोटल एज सेंटर में, और बस अब कुछ नहीं, जो कंट्रीब्यूशन आपको टोटल नंबर ऑफ एटम एज में मिलेंगे उनको और बॉडी सेंटर वाले एटम को ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ बी एटम हो जाएंगे वो, तो ये आपको कॉमन में बताना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में है आपका, इसी क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, इसी क्वेश्चन पे मैं, इसका सेकंड पार्ट है कि इफ कैलकुलेट फॉर्मूला एटम, इसी का पार्ट है, कैलकुलेट फॉर्मूला, कैलकुलेट फॉर्मूला ये, ठीक है, इसी का पार्ट है, कैलकुलेट फॉर्मूला इफ एटम्स अलोंग, इफ एटम्स अलोंग वन एज, इफ एटम्स अलोंग वन एज आर remove, if atoms along one edge are removed, ठीक है, इसी में, अच्छा
एक कहां कहां पे देखो, एक बार कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, यहां पे मिस्टेक हो गई, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर में एक आप दो दो पोजीशन कर दिया, फेस सेंटर पे भी है कॉर्नर पे भी है, बी कहां पे बॉडी सेंटर में और एज सेंटर में, तो तब तो ये फॉर्मूला निकाला है इनिशियली, बाद में क्या बोल रहे भैया फॉर्मूला बताओ, अगर मैंने एक एज का लूं एटम रिमूव कर दिया, ठीक है, इसमें सेकंड कंडीशन क्या दे दी है मैंने, सेकंड कंडीशन ये एटम अलोंग द एक्सिस जॉइनिंग, एटम्स अलोंग द एक्सिस जॉइनिंग, एटम्स अलोंग द एक्सिस जॉइनिंग एनी टू अपोजिट फेस सेंटर, एनी टू अपोजिट फेस सेंटर, एनी टू अपोजिट फेस सेंटर आर रिमूव्ड, आर रिमूव्ड, एटम्स अलोंग द एक्सिस जॉइनिंग एनी टू अपोजिट फेस सेंटर आर रिमूव्ड, तो ये आपको मुझे होमवर्क दिया है मैंने आपको, ये आपको मुझे क्या करना है बताना है, ठीक है। चलो इसके बाद जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एज लेंथ ऑफ डिफरेंट क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एज लेंथ ऑफ डिफरेंट क्यूबिक यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ डिफरेंट क्यूबिक यूनिट सेल, आपको मुझे ये बताना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, जो एटम आर रेडियस का होगा और जो क्यूब इस क्यूब यूनिट सेल का ही कोई भी यूनिट सेल मैंने क्या बोलते हैं क्यूब का ही फॉर्म में होता है, तो उस एज लेंथ का और इस रेडियस ऑफ एटम का हर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या रिलेशन होता है ये मुझे पता करना है, ठीक है। तो पहला मेरे लिए एससीसी है, मुझे पता है एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा पहले ये पता करना है कि किसी भी यूनिट सेल में एटम कितने डिस्टेंस में आपस में टच कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला एटम्स, मैंने क्या बोला अगर ए डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब ये होगा कि कॉर्नर वाले एक दूसरे को कितने डिस्टेंस पे टच करेंगे, ओके सब बात है, ए डिस्टेंस पे ये टच कर सकता है, ठीक है, ठीक है, तो मतलब आप समझो एक इधर, ठीक है, आप ऐसा समझो, मैं समझा रहा हूं डायग्रामेटिकली समझा, एटम प्रेजेंट अलोंग कॉर्नर विल टच ईच अदर, एटम प्रेजेंट अलोंग कॉर्नर विल टच ईच अदर, कैसे समझो बात को, अभी मैंने आपको समझाया था कि कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को ए डिस्टेंस पे ही टच कर सकते हैं, मतलब वो पॉसिबल कब हो सकता है, वो पॉसिबल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ अब ये दो इधर है, दो ऐसे दो आगे, दो चार ऐसे हो जाएंगे मान लो, ठीक है, ये चार आगे ये चार पीछे, इसका मतलब कॉर्नर ए डिस्टेंस पे अगर कोई है, दो एटम रखे हुए हैं, मतलब वो ऑब्वियस बात है कॉर्नर पे होंगे, तो कॉर्नर वाले हमेशा एटम जो होते हैं एक दूसरे को टच करते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, अगर फेस सेंटर में अगर इसी इतने ही रेडियस के एटम अगर मैंने यहाँ पे रखे, हर एटम ऐसा तो नहीं यहाँ पे 2R का होगा यहाँ पे 3R, सब एटम का रेडियस तो सेम होगा, तो सेम एटम का रेडियस अगर मैं यहाँ बीच में रखूँ तो ऑब्वियस बात है फैल जाएंगे, तो तब ये एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे, तब सिचुएशन कुछ ऐसा अलग होगा, एक बार समझ गए, तो याद रखना कॉर्नर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ही एटम एक दूसरे को कॉर्नर पे टच कर सकता है, तो अगर ये रेडियस आर है और ये रेडियस आर है और इनकी टोटल एज लेंथ ए है, तो क्या ए बराबर मेरा 2R होगा, क्या ए बराबर मेरा क्या होगा 2R होगा, तो ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, याद रखना सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ का क्या रिलेशन होता है, ए इज इक्वल टू 2R होता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करूं बीसीसी, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं बीसीसी, बीसीसी में क्या होता है एटम एक दूसरे को कहां टच, अब ऑब्वियस बात है अगर इतना चार एटम चार ऐसे है बीच में एक और बड़ा सा बॉल आ गया उतना ही रेडियस का, तो ऑब्वियस बात है मैंने क्या बोला कॉर्नर वाले अब एक दूसरे को कभी भी टच नहीं कर पाएंगे, मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, यही चार ऊपर रहेंगे चार नीचे रहेंगे, तो इसका मतलब अलोंग द बॉडी डायगोनल ही एक दूसरे को टच, एक एटम यहाँ पे जो आठवें एटम को टच कर रहा है, जब टच कर रहा है तो ये डिस्टेंस ये दूर दूर हो जाएंगे, इसका मतलब एक एटम दूसरे एटम को अलोंग द बॉडी डायगोनल ही क्या कर सकता है टच कर सकता है, तो याद रखना एटम्स
along body diagonal touch each other. ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसको ठीक है, एक एटम यहां पे है, एक एटम यहां पे है और एक एटम यहां पे है, तो देखो ये एक दूसरे कहां टच कर रहा है बॉडी डायगोनली, तो इसका मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ होगा. ठीक है, एक एटम यहां पे, एक एटम यहां पे और एक एटम यहां पे, तो ये r, ये 2r और ये r, तो ये डिस्टेंस कितना होता है, ये a, ये रूट टू है, ये रूट थ्री है, तो इसका मतलब रूट थ्री ए आर बराबर क्या होगा, फोर आर होगा. आई बात समझ में, रूट थ्री ए बराबर क्या होगा, फोर आर, मतलब a का जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, फोर बाय रूट थ्री ऑफ आर, याद रखना इस फॉर्म, एज लेंथ और बॉडी एटम के रेडियस का रिलेशन होता है बॉडी डायगोनल में. ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि किसी भी दो एटम को टच करने के लिए उसका एज लेंथ का रेडियस के साथ क्या रहना चाहिए, इट शुड बी 4:√3 टाइम्स होना चाहिए. ठीक है, मतलब जो रेडियस मतलब एज लेंथ होना चाहिए वो रेडियस के 4 × √3 टाइम्स हो जाए, तभी वो कॉर्नर, तभी वो अलोंग द बॉडी डायगोनल एक दूसरे को टच कर सकते हैं. ठीक है, ये था किसका, बीसीसी का. तीसरा है एफसीसी. एफसीसी में जैसे सपोज दो 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 एक बड़ा सा एटम आ गया, तो अब ऐसा कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब एटम एक दूसरे को कहां टच करेंगे, अलोंग द फेस डायगोनल टच कर सकते हैं. ठीक है, इसमें ये होगा एटम्स टचेस ईच अदर अलोंग फेस डायगोनल. ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जैसे सपोज पर इस तरीके से मैं समझाऊं, ठीक है, मैं हालांकि पूरा नहीं बना रहा, इसको समझाने के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं. जैसे सपोज करो एक एटम यहां पे है, एक एटम यहां पे है, एक एटम यहां पे है, एक एटम यहाँ पे है और एक एटम यहाँ पे. आप उससे समझ सकते हो कि देखो ये तो इसका ऑब्वियसली कॉर्नर का तो 1/8 पार्ट होगा, फेस सेंटर का कितना होगा, 1/2 वाला हमारे कंट्रीब्यूशन ने समझ में आया. अब देखो एक दूसरे को कहाँ टच करे, अलोंग द फेस डायगोनल टच करे, इसका मतलब ये आर हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा और ये r हो जाएगा, इसका मतलब टोटल रेडियस जो हो रहा है 4r हो रहा है और ये लेंथ कितना होता है √2 है, मतलब a का जो रेशियो होता है 4/√2 r टाइम्स होता है. आई बात समझ में, r टाइम्स होता है. तो ये आपको बेसिकली हमने समझा एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन. ठीक है, अब आपको मैं समझा रहा हूं कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन आ जाता है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एससीसी बीसीसी और एफसीसी. देखो ये बॉर्डर पॉइंट है, दूसरे भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जेई मेंस नीट में भी आपसे डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाता है. ठीक है, तो अगर हम बात करो वॉल्यूम ऑफ एससीसी, क्योंकि हर यूनिट सेल, कोई भी यूनिट सेल हो, चाहे वो वॉल्यूम ऑफ एससीसी हो, वॉल्यूम ऑफ बीसीसी हो या वॉल्यूम ऑफ एफसीसी हो, सबका फॉर्मूला तो एक दो ही होगा. ठीक है, हाँ अगर रेडियस के टर्म्स में लेके जाओ तब आंसर अलग हो जाएगा. तो वॉल्यूम के टर्म में एससीसी की बात करो तो ए क्यूब और ए बराबर कितना होता है 2r, तो 2r का क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है, मतलब 8r क्यूब हो जाएगा रेडियस के टर्म में. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बीसीसी की बात करो तो ये भी क्या हो जाएगा ए क्यूब, लेकिन ए का रिलेशन r रेडियस के साथ कितना था 4/√3, मतलब 64/√3, मतलब 9/4/64/√3, मतलब 3√3 हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा. ठीक है,
और वॉल्यूम ऑफ एफसीसी की बात करो, ये भी एक क्यूब हो जाए, लेकिन एक का 4r के साथ क्या रिलेशन है, 4 मतलब ये भी 64 बाय 2 रूट 2, 64 बाय कितना हो जाएगा, a बराबर 2 रूट 2r, ठीक है, a बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a बराबर 2 रूट 2r, मतलब ये हो जाएगा मेरे पास 16 रूट 2r क्यूब, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये बेसिकली इस यूनिट सेल का वॉल्यूम था इन टर्म्स ऑफ रेडियस भी, इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ, तो सेम आपने पढ़ाई है, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको जैसे निकालने बोलूंगा, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन एससीसी, बीसीसी और FCC, ठीक है, ये तो हमने यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाला। कहने का मतलब है, जैसे सपोज करो ये बॉक्स है, ठीक है, ये जैसे ये सपोज करो, ऐसे मैं समझा रहा हूँ, ये बॉक्स है आपके पास, ठीक है, ये बॉक्स है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, तो ये हमने इसका टोटल वॉल्यूम निकाला। एक तो एज लेंथ के रिस्पेक्ट में तो वॉल्यूम सबका सेम रहेगा, अगर रेडियस के रिस्पेक्ट में तो आंसर अलग अलग होगा, ठीक है। ये तो हमने सिर्फ खाली डब्बे का वॉल्यूम निकाला, अब उसमें कितने एटम्स हो सकते हैं भैया, सिंपल क्यूबिक में टोटल एटम एक ही होता है और उसका वॉल्यूम कितना होगा, बीसीसी में टोटल दो एटम हो तो उनका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, या एफसीसी में जो चार एटम होते हैं उनका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, बस मुझे ये समझ में, बाकी चीज अपने आप हो जाएंगे, ठीक है, समझ में बात करो। इसका ऐसे मैं ऐसे इसका फॉर्मूला ही बना दो, वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड यूनिट सेल बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाता है आपका नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। देखो एटम तो ओवरऑल आपको पता है स्फेरिकल साइज का होता है, स्फेरिकल शेप का भी होता है, और किसी भी स्फेरिकल वॉल्यूम का, स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है, उसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जितने नंबर ऑफ एटम है 4/3 पाई आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, वो टोटल नंबर ऑफ एटम का वॉल्यूम हो जाएगा उस यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, z into 4/3 पाई r क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ एटम SCC की बात करो तो z इसमें कितना होता है, 1 होता है टोटल, और 4/3 पाई r क्यूब, यह आपका वॉल्यूम हो जाएगा। सेकंड वॉल्यूम ऑफ एटम अगर मैं BCC की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएंगे, 2 into 4/3 पाई r क्यूब into 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल नंबर 8/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 8/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ एटम एफसीसी में कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होते हैं, 4 होते हैं, 3 तो टोटल मिला के एफसीसी का और एक कॉर्नर वाले का, तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो 16/3 पाई आर क्यूब, आई बात समझ में। तो ये अगर मैंने टोटल एटम भरा, जैसे कि सिचुएशन कैसा है, सपोज करो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें टोटल एटम कॉर्नर पे हैं, एटम जो कॉर्नर में उनको टोटल वॉल्यूम और इस क्यूब का वॉल्यूम अलग अलग है, बात समझना। ये जो वॉल्यूम मैंने निकाला यहाँ पे, ठीक है, ये वॉल्यूम अलग है, ये सिंपल इस क्यूब का वॉल्यूम है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे जो एटम होंगे कॉर्नर पे या कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर में या कॉर्नर प्लस प्लेस सेंटर के साथ जो टोटल एटम होगा, टोटल वॉल्यूम ये वो वाला है, हमें तो ये टोटल एटम का वॉल्यूम है और ये खाली डब्बे का वॉल्यूम है, आई बात समझ में। अब यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है पैकिंग फ्रैक्शन का, क्या आता है, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका पैकिंग फ्रैक्शन का, जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, ईटा से। तो बेसिकली पैकिंग फ्रैक्शन क्या है भैया,
ये है टोटल मैडम, मान लो ये टोटल एटम का वॉल्यूम है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, ये टोटल गत्ते का वॉल्यूम है। अब ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है यूनिट सेल में, वो इसका पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। आई बस समझ, जैसे आप एक सम, जैसे मैंने बोला ये एक, ये मान लो ये पानी का बॉटल है, ठीक है, इसका टोटल वॉल्यूम 1 लीटर है, तो ये जो वॉल्यूम है ये खाली बोतल का वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है पानी का वॉल्यूम, सपोज कर मैंने इतना ही पानी भरा, तो ये जो हो जाएगा, ये इसका पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा, ये इसका वॉइड स्पेस हो जाएगा, जो खाली बोतल आपको दिख रहा है ये इसका क्या हो जाएगा, वॉइड स्पेस हो जाएगा। चलो इसके बाद थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, तो व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन, तो परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड, परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इनसाइड यूनिट सेल, प्रेजेंट इनसाइड यूनिट सेल, प्रेजेंट इनसाइड यूनिट सेल ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन एक की बात होती है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा एटा का कोई भी फॉर्मूला क्या होगा भैया, टोटल वॉल्यूम का एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, ये किसी का भी क्या हो जाता है, पैकिंग इफिशियंसी हो जाता है, ठीक है। तो अब एक एक करके हम, हमारे सिलेबस में हालांकि तीन ही है, तो पहला मेरा SCC, ठीक है, SCC का पैकिंग इफिशियंसी देख लेते हैं। एटा में वॉल्यूम ऑफ एटम ये सिंपल क्यूबिक में कितना था, 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय, उसमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम था, 8r³, तो ये r³ कैंसिल इनटू 100, ठीक है, इनटू 100, तो बेसिकली ये हो जाएगा π/6 का पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। कभी-कभी आपसे ऐसा π/6 के फॉर्म में पूछ सकता है, या इसको हम लोग बोलते हैं 52% इसका पैकिंग एफिशिएंसी, कितना है 52%, ठीक है। सेकंड है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अगेन फार्मूला एटा का वॉल्यूम ऑफ एटम, यहां पे टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम बीसीसी का कितना है, बीसीसी का है 8/3 πr³ डिवाइडेड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, 64/3√3r³, ठीक है, ये r³ कैंसिल इनटू 100, तो ये एक्चुअल में कितना वॉल्यूम आता है, √3/8π इनटू 100, तो ये इसका पैकिंग फ्रैक्शन है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 68%, कितना है 68%। इसका मतलब यहां पे परसेंटेज ऑफ वॉइड कितना है, परसेंटेज ऑफ वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस, तो ये हो जाएगा 48% हो जाएगा। यहां पे परसेंटेज ऑफ वॉइड कितना है, परसेंटेज ऑफ वॉइड जो होगा वो हो जाएगा आपका 32%, कितना हो जाएगा 32%। समझ में आई बात सबको आपको, चलो ठीक है। ये जेईई मेंस नीट में डायरेक्ट पूछता है कि हाउ मच परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक, हाउ मच पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी, या हाउ मच परसेंटेज वॉइड ऑफ सिंपल क्यूबिक, उल्टा भी पूछ सकता है, ठीक है। चलो अब लास्ट हमारा एफसीसी का देखते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं एफसीसी के, एफसीसी में एटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो मैं नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 16/3 πr³ डिवाइडेड बाय 16√2r³ इनटू 100, r³ क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/3√2 इनटू 100, तो ये बराबर हो जाएगा
ये सबसे हाईएस्ट स्पाइकिंग एफिशिएंसी होती है, दैट इज नथिंग बट 74% होता है, ठीक है। इसका कितना था 74%, मतलब हाईएस्ट बेस्ट स्पाइकिंग एफिशिएंसी वाला अगर मैं कोई यूनिट सेल बोलूंगा वो होता है एफसीसी, ठीक है। ये होता है 74% हाईएस्ट स्पाइकिंग एफिशिएंसी सी का होता है, और परसेंटेज ऑफ वॉइड ये होता है 26%, कितना होता है 26%, आई बात समझ में, ठीक है। तो याद रखना, अब इसको इमेजिन कैसे करना है, ठीक है। तो बेसिकली इन 3D पैकिंग में याद रखना, ऐसे समझो, ठीक है। जैसे बोतल में, ये बोतल को क्यूब समझ लो, एक तरह की फिर एग्जांपल क्यूब। आपने कंचे खेले, कंचे अगर आपने खेले होंगे, अगर आप मिनिमम एक साइज के कंचे लेते हो तो उनका रेडियस ऑफ सबका सेम होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, कंचे भरते जा रहा हूँ, भरते जा रहा हूँ, यहाँ तक भर दिया, ठीक है। मैं और खिलाया इसको, थोड़ा शेक किया तो कंचे थोड़े और दबेंगे, फिर मैं और कंचे भरा, और शेक रहा हूँ, और हिला रहा हूँ, और नीचे जाएंगे, और दबेंगे, और कंचे भरेंगे, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा कि कंचे भरना बंद हो जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ तक मैंने भर दिया, तो एक्चुअली ये जो मैंने पैकिंग किया ये कैसा क्या 3D है, एक्स भी है, वाई भी है, और जेड भी है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों मिलकर। तो ये बेसिकली कौन सी पैकिंग है, 3D पैकिंग है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर पानी डाल दिया, सपोज करो मैंने क्या किया, पानी डाल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पानी डालने के बाद हर सब एक एक कंचे को मैं क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। पानी भी मैंने इतना तक डाला कि जैसे ऊपर तक मेरा कंचे भरे, ऊपर तक मेरा पानी भी भर गया, इतना पानी मैंने डाला। इसका मतलब होगा पानी कहाँ जाएगा, एम्प्टी। पानी कंचे को तो रिप्लेस करके नहीं जा सकता, पानी वहां जाएगा जहाँ एम्प्टी स्पेस होगा, वही होगा ना। पानी कंचे के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप तो होगा, उसमें पानी चला जाएगा। पानी यहाँ तक भर दिया मैंने सपोज करो, अब एक एक करके मैं सारे कंचे को क्या कर रहा हूँ, बोतल से निकाल रहा हूँ। तो इस वॉल्यूम 26% का मतलब क्या होगा, इसका जो भी वॉल्यूम होगा, इसका मैक्सिमम, मैंने क्या बोला, इसमें मैक्सिमम परसेंटेज इफिशिएंसी कितनी हो सकती है, मतलब इसका 74% तक की आप एटम ऑक्यूपाई कर सकता है, बाकी 26% हमेशा खाली रहेगा, ये फिक्स है। तो अगर ये क्यूब है तो इसका जो वो जो मैं वॉल्यूम निकालूंगा ना पानी का, वो इसके 26% वॉल्यूम के बराबर होगा। 100% श्योर ये एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व, मतलब 100% श्योर एक्सपेरिमेंट ट्रू है। या कोई भी किसी भी डब्बे में आप एक काम करो, उसका वॉल्यूम आपको बता रहे, कंचे भरते रहो, या कोई भी सामान आपके साथ जिसमें पानी डाल सको, आप कोई भी चीज भरे, एक फाइनली कर करके आपने मैक्सिमम तक उसको क्या कर दिया, भर दिया। अब क्या करो, उसमें पानी डाल दो, सारे कंचे निकाल दो, तो जो पानी जो रहेगा ना आपका, वो किसका वॉल्यूम कितने बराबर होगा, 26% के बराबर होगा उस कंटेनर के वॉल्यूम के। क्यों, क्योंकि किसी भी 3D में मैक्सिमम पैकेजिंग हो सकता है 74%, मतलब 26% हमेशा खाली रहता है, यही इसका मतलब होता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इन 3D मैक्सिमम पॉसिबल पैकेज एफिशिएंसी, मैक्सिमम पॉसिबल पैकेज एफिशिएंसी is 74% is 74% and it is shown by CCP, that is FCC। याद रखना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या FCC मीनिंग ये की है। कभी कभी आप न्यूमेरिकल वर्ड में, जो फॉर्मूला वाले वर्ड में जो बता ना, फॉर्मूला वाले टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें FCC की जगह CCP वर्ड लिखा रहता है, तो CCP और FCC का मीनिंग एक ही है। भाई FCC में पता क्या होता है ना, FCC का मीनिंग क्या होता है भैया, एटम कॉर्नर और फेस सेंटर में रहता है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग का मतलब ये होता है कि एटम कॉर्नर और फेस सेंटर, इसका दूसरा नाम है समझ लो एक तरीके से। एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मैंने आपको बोला था दो ही टाइप की यूनिट सेल आपको, कॉन्वेक्स क्यूबिक, क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ना है, हेक्सागोनल यूनिट सेल पढ़ना है, हेक्सागोनल क्रिस्टल। तो आपके सिलेबस से फिलहाल इतना ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे, आपको भी सॉल्व करना है, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ यूनिट सेल in which atoms are
प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज एट एच सेंटर। ठीक है, कॉर्नर और ए सेंटर में प्रेजेंट एटम का उसमें आपको क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी कुछ नहीं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम का निकालो, वॉल्यूम ऑफ एटम निकालो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का उनको डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। आप ये मुझे सॉल्व करके अभी होमवर्क में भेजना। गौर तरफ की बात यह है कि कल से थोड़ा लेवल और हाई जाएगा, तो आई रिकमेंड कि ये जो पर्सन जो भी आपको मैंने बताया कि कॉन्ट्रीब्यूशन कितने लेंथ होता है, फेस लेंथ और फेस डायगोनल लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, और किसी कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, एज लेंथ का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, ठीक है, या पैकिंग एफिशिएंसी, वॉल्यूम एफिशिएंसी, सब आपको याद रखना, ये बेसिकली एक रिजल्ट है, ठीक है, याद रखिए ताकि आपको जाके आगे जाके और कोई कठिनाइयाँ ना हो।